दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां कश्मीर घाटी में एक बार फिर हिंदी की गूंज सुनाई देगी। दरअसल कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों में हिंदी को अलग भाषा के तौर पर पढ़ाने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर शिक्षा परिषद ने इसके लिए 8 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है, जो इलाके के 3000 स्कूलों में 10वीं तक हिंदी पढ़ाने की सिफारिश सौंपेंगी। बता दें कि जम्मू के इलाके में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। इसे छात्र पढ़ने के लिए भाषा के तौर पर विकल्प के रूप में चुनते हैं, लेकिन कश्मीर में पिछले 32 वर्षों से हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि घाटी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदी शिक्षक मौजूद ही नहीं है। साल 1990 के बाद हिंदी पढ़ाने वाले कश्मीरी पंडितों का पलायन इसकी मुख्य वजह है। ऐसे में घाटी के प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी भाषा की पढ़ाई हो पाती है। हालांकि CBSE बोर्ड के चंद स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने समर्थन किया है, तो वहीं गुपकार गठबंधन ने हिंदी पढ़ाए जाने के इस फैसले पर एतराज जाहिर किया है। गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया और इसका विरोध करने का ऐलान भी किया है। तो आपको बता दें कि कश्मीर में हिंदी भाषा को लेकर के जो है एक नया प्रावधान लाने की योजना बनाई गई है, लेकिन इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में भी हैं। और आपको बता दें कि घाटी में जो है हिंदी भाषा अब गूंजने वाली है और फैसले का समर्थन और विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं, और कई तरीके के तर्क जो है इसे लेकर के दिए जा रहे हैं। आपको बता दें 8 सदस्यों की कमेटी जो है वो बनाई गई थी, 20 फरवरी तक सिफारिशें सौंपी जाएंगी। और बता दें कश्मीर में अभी हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, और बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ था तो यही इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे हिंदी भाषा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और टीचर्स भी जो है यहाँ पे हिंदी भाषा के लिए मौजूद नहीं है, जिसको लेकर के एक नया प्रावधान जो है वो निकल कर सामने आया और लगातार इसका समर्थन भी किया जा रहा है और विरोध भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रावधान जो है वो सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है कि अब घाटियों में भी, यहाँ तक कि जम्मू में भी जो है हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू होने वाली है और 20 फरवरी तक सिफारिशें जो है वो सौंपी जाएंगी। तो आपको बता दें कश्मीरी पंडितों का पलायन जो है इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, जो अभी तक जम्मू में हिंदी भाषा की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जा रहा था और हिंदी भाषा की पढ़ाई वहां पर नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर जो है इसके लिए प्रावधान निर्धारित किया गया और 20 फरवरी तक सिफारिशें सौंपी जाएंगी।